गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आम जनता को बधाई देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री और पूज्य मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज पूरा भारत योग में डूब गया। योग साधना एक ऐसा साधन है जो सरल और सार्वभौमिक है। स्वस्थ रहने के लिए योग का साधना सबसे सरल माध्यम है। गौरतलब है कि सांसद रवि किशन शुक्ला अपने मुंबई आवास पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खुद ही योग करते हुए नजर आए। उन्होंने लोगों से भी अनुरोध किया कि वो योग करें, क्योंकि यह योग ही एक ऐसा साधन है जो कि सरल और जिससे आप बहुत ही सरलता से करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सदर सांसद रवि किशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया और लोगों को योग करने के लिए उत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि योग मनुष्य को स्वस्थ और निरोगी बनाता है, अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग स्वस्थ रहने के लिए योग का प्रयोग करें। भारत का ये सबसे पुराना साधन है। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए योग करना अति आवश्यक है, क्योंकि आप जब स्वस्थ और निरोगी रहेंगे तभी आप अपने आप को एक उत्कृष्ट नागरिक के रूप में दिख पाएंगे और समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।